हेलो एवरीवन, आई एम स्वास्तिक जैन एंड आई स्कोर्ड आईपीओसीईटी रैंक 1. माय नेम इज रुपेंद्र सिंह और मेरी आईपीओ लीड में 5th रैंक आई है. और जैसा कि मैं बता सकता हूँ कि जो 5th रैंक आई है तो इसके पीछे काफी जनों की मेहनत रही, मेरी रही और मेरे साथ के दोस्त स्वास्तिक की रही जो अभी भी हमारे साथ लाइन पे है, और हमारे सारे जीसीसी के फैकल्टीज की रही, क्योंकि इन्होंने हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया. क्योंकि हर चीज में जहाँ भी हमें जैसे जरूरत हुई, क्योंकि हम जब जाते हैं किसी कोचिंग में पढ़ने तो फिर जैसे हम खुद पढ़ रहे हैं तो हमें सारी गाइडेंस नहीं मिल पाती, बट जब हम कोचिंग गए तो वहां पे हमें सारी गाइडेंस मिली. कि जैसे गोपाल सर हमारे फैकल्टी थे रीजनिंग के, तो उन्होंने बहुत बेहतरीन पढ़ाया हमको, किसी भी चीज में कोई दिक्कत नहीं होने दी. और हमारे आकाश सर थे जिन्होंने हमें मैकेनिक्स पढ़ाई, उन्होंने बहुत बेहतरीन पढ़ाया हमें. मुंजाल सर ने कंप्यूटर का कंप्लीट कराया. तो इसी तरीके से हमारी जो पढ़ाई थी चलती रही. और एक चीज और कि ऐसा हुआ कि शुरुआत में जब मैं गया था कोचिंग में तो फिर उतना हिसाब बन नहीं रह पा रहा था पढ़ाई का, क्योंकि अकेले हम जब पढ़ते हैं तो जब से कोचिंग में होते थे तो फिर तो ठीक था कि हम पढ़ लेते थे, बट जब मैं घर पे आ जाता था तो उसके बाद हमारा हिसाब बन नहीं पाता था. फिर तो मैंने स्वास्तिक से कॉन्टेक्ट किया, फिर हम दोनों ने साथ में पढ़ना चालू करा. और जो मुझे लगता है कि जो अगर रैंक कुछ भी आ पाई है, 5 आई है या फिर स्वास्तिक की 1 आई है, तो मुझे तो यही लगता है कि हमने साथ में कंट्रीब्यूशन करके पढ़ा जिसकी वजह से 5 आई है. इसीलिए तो फायदा होता है कि हम शेड्यूल बना के पढ़े, फॉलो करके पढ़े, तो फायदा होता है. अगर हमारे पास कोई पार्टनर हो साथ में पढ़ने वाला तो बहुत ही बेनिफिट रहता है. ऐसे ही अगर कुछ भी पढ़ना है तो पहले तो हमें ना, सबसे पहली बात है कि हमारे पास कोई पार्टनर होना चाहिए. अगर एक्सपीरियंस की बात है तो हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग तो यही है कि कोई पार्टनर मिल जाए. तो बात यह है कि अगर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हमारा पार्टनर हमें समझा सकता है. बिल्कुल, जैसा कि स्वास्तिक और मैंने, हमने ऐसा कर दिया था कि भाई हम डायरी फॉलो कर देते. तो मेरे को ध्यान है कि हमने जनवरी के स्टार्टिंग से, है ना स्वास्तिक, शायद जनवरी के स्टार्टिंग से हमने स्टार्ट कर दिया था. हमने शेड्यूल बना लिया था, उस दिन जनवरी के दिन हम जानते थे कि अगले महीने हमारा क्या सिलेबस खत्म हो जाएगा, अगले महीने तक हम कितना कर. और जैसा कि आप लोगों को पता है हम दोनों ही 5th बैच से हैं. जैसा कि सबको लगता है कि 5th बैच बहुत लेट जॉइन स्टार्ट हुई है तो इसमें कुछ कर नहीं सकते, हम सब कुछ कैसे कवर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता. बस आपको स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ती है. जैसे मैंने और स्वास्तिक ने फिर क्या करा, हमने डायरी ली, उसमें डेली बेसिस पर हमने शेड्यूल बनाया कि हमें आज इतना कवर करना है और इतना करना ही है. हाँ, ऐसे कई बार ऐसा होता था कि मैं ही भटक जाता था, मैं नहीं कर पाता था फॉलो, तो स्वास्तिक ने पिन करा कि भाई करो करो करो. और जैसे कई बार ऐसा भी हुआ कि स्वास्तिक भटकता था तो मैंने पिन करा कि भाई करते रहो, इसे ऐसे चलने से काम नहीं चलेगा. तो ऐसे ही साथ साथ में पढ़ते पढ़ते हमारा इतना अच्छी रैंक आ पाई है. शेड्यूलिंग ही मैटर करती है. मेन एक्चुअली ऐसा होता था कि लॉकडाउन में शिफ्टिंग हो रही थी बार बार पेपर की, कि अब फिर डिले, फिर पोस्टपोन, फिर पोस्टपोन. तो इसीलिए मोरल डाउन हो जाता है बिल्कुल, कि पढ़ना ही नहीं है, अब तो बंद कर दो. बस यही है कि पहली बात तो पढ़ने के लिए सबसे सिंपल तरीका यह है कि पहले तो वो सब चीज़ें पढ़ लो जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग हो. जैसे कि रीजनिंग, हमारी तरफ से तो एडवाइस रहेगी कि रीजनिंग ऐसी कर लो प्रिपेयर कि उसमें से 100% स्कोर हो जाए. और फिर बाद में आती है मैकेनिक्स. मैकेनिक्स भी इसीलिए आसान है क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो बहुत ही रेयरली देखने को मिलेंगे. जो अभी 2020 का पेपर हुआ इसमें तो कुछ भी हार्ड नहीं था मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें कुछ था ही नहीं. मैथ्स में भी ऐसे ऑप्शन थे कि कोई भी कुछ भी करके कर लेता आराम से. भाई तो बात है, मैकेनिक्स इतनी इजी आ गई थी जैसा कि लेवल में सोचा नहीं था कि मैकेनिक्स इतनी आसान आएगी. ये सच में कम से कम नहीं तो जैसे अगर उसमें 25 क्वेश्चन आए हैं तो ऐसे है कि दो 20-22 क्वेश्चन तो मैं जीसीसी की बुकलेट में टिक कर सकता हूँ कि हाँ यही क्वेश्चन है. सेम क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा हुआ था कि आईपी मतलब जो पेपर सेट हुआ था मुझे नहीं लगता कहीं से कुछ दिमाग बना के अलग से क्वेश्चन करे गए थे. जो क्वेश्चन ऑनलाइन थे वेबसाइट्स पे सिर्फ वही उठा के डाले गए और वही उन्हीं सब चीजों को कंट्रीब्यूट हमारे जीसीसी की बुकलेट से मिलता है. हाँ, अगर किसी बंदे ने सीआरटी और ये सारे टेस्ट जितने भी हैं सारे अटेम्प्ट एक बार भी कर लिए और जीसीसी की थ्योरी पढ़ ली तो 100% पेपर उसमें से मिल जाएगा. 100% कंप्यूटर में तो जनरल क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे आते हैं कि अगर तुम्हारे पास ल्यूसेंट की जनरल बुक है और उसे तुमने पढ़ लिया तो वो बिल्कुल ही बेहतरीन रहेगा. बिल्कुल. और जैसे अगर बात करिए स्कोरिंग सब्जेक्ट की तो वो तो हम सभी जानते हैं, रीजनिंग हो गई, मैकेनिक्स हो गई और बाकी कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री इसमें कर लेते हैं. हाँ, मैथ का पोर्शन वैसे हमेशा थोड़ा हाई पड़ता था, बट जो इस बार की मैथ आई तो
वो तो सच में कि क्या ही बताई जाए कैसी मैथ आई थी, कि जिस लेवल का हम पढ़ के गए थे उसके हिसाब से उस लेवल की मैथ नहीं आई थी। तो मतलब तैयारी करो सही है, अब अपना देखते रहो कि जैसे कोई भी चीज पढ़ रहे हो, सबसे बड़ी बात ये कि कंसिस्टेंसी रखो पढ़ाई में। हमें भी याद है कंसिस्टेंसी रखो, और वो इतना इजी ऐसा पेपर नहीं आता जितना सब लोग सोचते हैं कि हार्ड आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। रीजनिंग में मेन मेन टॉपिक्स ये है, नंबर सीरीज से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं सबसे ज्यादा, और फिर आ जाता है ब्लड रिलेशन से, क्लॉक वाले से। ये तीन तो इम्पोर्टेंट ऐसे हैं कि ये तो अच्छे से आने चाहिए, और नंबर सीरीज तो ऐसा टॉपिक है जिसमें से तो आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ कर लो, क्योंकि वहां ऐसा होता है करते वक्त कंफ्यूजन बहुत होती है, अगर प्रैक्टिस है तो ही कर पाओगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नंबर सीरीज में ऐसा होता है कि बाकी चैप्टर्स की तरह नहीं है, जैसे हमने क्लॉक पढ़ ली थी तो उसमें ऐसा था कि भाई पता है मैं इसकी मिरर इमेज निकालनी है, तो हमने एक फॉर्मूला पता तो उसमें से माइनस करके भी मिरर इमेज पता चल गई। बट इसमें ऐसा नहीं होता कि हम जितने से क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, तो उसके बाद हमें समझ में आता है कि हाँ भाई इसमें ये पैटर्न फॉलो होगा, और उसके हिसाब से जैसे आप करते रहते हो क्वेश्चन, तो फिर हमें पता चलने लग जाती है चीजें, हाँ अगर हम इसमें ये चीज करेंगे फिट करेंगे तो फिर हमारा आंसर निकले आना है। ऐसे ही करते करते चीजें बढ़ती हैं, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज तो कंसिस्टेंसी बनाए रखो, क्योंकि वो नहीं बस लूज होनी चाहिए। हाँ हमें भी याद है कि मुझे नहीं लगता लॉकडाउन से पहले, हाँ लॉकडाउन जब पेपर बार बार आगे बढ़ रहा था तो क्यों झूठ गए कि उस टाइम तो हमारा भी काफी मॉरल डाउन हुआ, तो उस टाइम की तो बात अलग है, बट उससे पहले मुझे नहीं ध्यान है कि एक भी दिन ऐसा गया होगा कि जिस दिन हमने पढ़ाई ना करी हो। पढ़ाई तो देखो करनी ही पड़ेगी, अब हमारे पास चॉइसेस क्या थी, चॉइसेस हैं या तो आप प्राइवेट ले लो या तो गवर्नमेंट बीटेक निकालो। अब जब एक साल जैसे बंदे कुछ हैं जो बच्चे ड्रॉप कर रहे हैं या फिर कुछ बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी करो तो ऐसे करो कि फिर अच्छी रैंक आए, तो उसी हिसाब से तैयारी करो, अपना अपना बेस्ट दो, उसके बाद तो रैंक तो जैसी आएगी पेपर के हिसाब से वो तो रहेगा। हाँ मेन बात तो यह है कि बीटेक तो आज की डेट में कोई भी कर लेता है, बीटेक करना मेन नहीं है, बीटेक अच्छी जगह से करना मेन बात होती है। ये सब सबसे बढ़िया बात सर की ये थी कि सर ने हमें यह पहले ही बता दिया था, इसीलिए हमने फुल कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करके अपने रैंक अच्छी स्कोर कर ली, जो हमें अच्छा कॉलेज मिल जाए। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, असल में इंजीनियरिंग तो आजकल बच्चे 250 गज के कॉलेज से भी कर रहे हैं, बट वो मैटर नहीं करता, एक जब रेप्यूटेड कॉलेज होता है तो ऐसा होता है कि चांस नहीं कि बाहर से भी देखा जाए कि तो जॉब लेना कोई इतनी आसान बात नहीं है। हम कह तो देते हैं कि हाँ भाई हम टायर 3 कॉलेज से हैं तो हम आराम से प्लेसमेंट उठा लेंगे, बट ऐसा नहीं होता, उसके लिए आपको जितना ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा वो आप ही जानते हैं और हम जानते हैं। क्योंकि अब देख लीजिए ऐसा है कि अगर आपने अभी थोड़ी मेहनत कर ली, आप किसी टायर 1 कॉलेज में चले गए और अगर नहीं करी तो टायर 3 में पहुंच गए, अब अंतर इतना हो जाएगा कि भाई आपको एक बाल्टी पानी लेना है। अब जैसे तुम टायर 1 कॉलेज में जिसकी प्लेसमेंट अच्छी जाती है तो तुम जाओगे बाल्टी नदी में से भरी लेके आ जाओगे, बट अगर तुमने टायर 3 कॉलेज में लिया फिर तुम्हें प्लेसमेंट चाहिए किसी बढ़िया कंपनी में, तो तुम्हें क्या करोगे, तुम ऐसी कंडीशन हो जाएगी तुम रेगिस्तान में पहले तुम खोदोगे उसके बाद पानी निकालोगे फिर बाल्टी भरोगे, तो इसमें काफी ज्यादा उससे अच्छा उस बाल्टी के लिए भी लड़ाई होती है। बिल्कुल उससे अच्छा है पहले ही थोड़ी मेहनत करके नदी तक ही पहुंच जाया जाए, तो ताकि हमें दिक्कत ही ना हो पानी भरने में। अगर टिप्स की बात है पढ़ने के लिए तो सबसे पहली टिप तो यही है कि पहले तो जो करना है पहले ही डिसाइड कर लो कि हमारा गोल क्या है, उसके हिसाब से प्रिपरेशन करो। जैसे कि अगर हमने गवर्नमेंट कॉलेज का ना सोच के प्राइवेट MAIT में ही सोचा होता तो हम इतना पढ़ते ही नहीं, MAIT में तो और ऊंची रैंक पे भी मिल सकता था हमें। तो यही होता है पहले डिसाइड कर लो कौन सा कॉलेज चाहिए, उस लेवल की स्टडीज करनी चाहिए पहले तो। बिल्कुल हमें प्रायोरिटी तो अपनी सेट करनी ही पड़ेगी कि हमें भाई कहाँ कॉलेज चाहिए कैसा कॉलेज चाहिए, असल बात वही बात पर जाती है कि अब हमें सारी चीजें देख के सोचना पड़ता है, फैमिली कंडीशन या फिर बाकी सारी चीजें। अब ऐसी ऐसी सिचुएशंस भी आती है लाइफ में कि जब आपको ऐसा लगेगा कि भाई अगर यहाँ से नहीं निकले तो फिर तो जिंदगी पीछे ही जानी है, मतलब यहाँ से नहीं निकल पाए तो फिर कैसे होगा कुछ भी। अब हाँ कहने की बात है ओपनली नहीं बोलना चाहिए, बट इतनी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग नहीं थी कि मैं प्राइवेट कॉलेज से करता, हाँ अगर 10-15 के अंदर रैंक नहीं आ पाती गवर्नमेंट में होता तो शायद मैं बीटेक नहीं करता, बट उसके लिए मेहनत करी क्योंकि तो पता था चीजें कि हाँ भाई हमें करना है किसी से लेना है। अभी यही मोटिवेशन MAIT वालों के लिए हो सकता है, जिसको MAIT लेना है अब उसकी कोई दिक्कत नहीं, जैसे जिसको MAIT लेना है तो वो उसी हिसाब से पढ़ेगा, MAIT कोई बेकार कॉलेज नहीं, जिसके पास फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है
वो MAIT के लिए जाएगा, उस हिसाब से पढ़ेगा अपना। अब तो मेरे हिसाब से ना, जिसे भी अच्छा कॉलेज चाहिए उसे अब से ही स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी आजकल ये अंबेडकर कॉलेज हो गया और ये चौधरी ब्रह्म प्रकाश, वैसे भी ये NSUT के कैंपस हो चुके हैं, तो इसमें ऑलरेडी कॉम्पिटिशन बहुत ही अप होने वाला है। इसीलिए यही प्रेफरेंस रहेगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, और सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट ये रहेगा कि आप रीजनिंग कंप्लीट अच्छे से कर ले, मैकेनिक्स कर ले, और बेसिक जनरल जो हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री और उसमें कंप्यूटर में से आता है वो कर ले सबसे अच्छी। अगर टॉपिक ही जानना है तो असल बात यह है कि स्टडी करो। तो देखो ऐसा है कि सिलेबस देखा जाए तो बहुत है, और कुछ देखा जाए तो नहीं भी है, क्योंकि आपको अगर आप टॉपिक खत्म करते चलते ना, ऐसे मत करो कि हाँ हमने दो बुक्स उठा ली, तीन बुक्स उठा ली, भाई हमने लूसेंट यहाँ से भी कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, वहां से भी कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं करना। पहले टॉपिक उठाओ, टॉपिक है क्या उसके बारे में समझो। पहली बात तो आपको जिस फैकल्टी में पढ़ाया जाएगा सारी चीजें, उसके बाद में अगर कोई चीज आपको नहीं मिलती है या फिर किसी चीज में कमी लगती है, आपको नहीं समझ में आ रही, तो भाई और भी रिसोर्सेज है, ऑनलाइन जाओ, ऑनलाइन पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, उसकी हेल्प लो, वहां से हेल्प लेके टॉपिक खत्म करते चलो। हमने क्या था, सिलेबस मिलता है जिस चीज में, तो उसमें ही पहले टिक लगा लिया भाई कि ये टॉपिक है, ये हमें निकाल, तो हमने टॉपिक वाइज खत्म किया भाई, नंबर सिस्टम हमने खत्म किया। अब नंबर सिस्टम के बाद फिर हम ढूंढेंगे क्वेश्चंस कि कहाँ कहाँ उसके क्वेश्चंस मिले हमें, तो हमने जहां जहां भी क्वेश्चन मिले हमने वहां से क्वेश्चन करे। पहली बात तो जीतने की बुकलेट में ही बहुत सारे इनफ क्वेश्चन है, वो भी प्रैक्टिस कर लो बहुत है, 300-400 को तो क्वेश्चन ही है उसमें, क्वेश्चन अगर उतने भी कर लेते हो तो आपका माइंड वैसे ही भूल जाएगा कि कैसे चलाना है, कैसे पढ़ना है, और करने कैसे, क्वेश्चन कैसे करने हैं, अटेम्प्ट कैसे करने हैं, सारी बात तो इसी की फंस जाती है। और टाइमिंग का इतना बड़ा कोई इशू नहीं रहा, क्योंकि इस बार आप देख लीजिए जैसे कि 100 क्वेश्चन आए थे और हमें मिनट मिले थे टोटल 150। तो पहले जो हुआ करता था डर कि हाँ भाई IIT में टाइमिंग नहीं मिलेगी, टाइमिंग नहीं मिलेगी, कैसे ये पर मिनट क्वेश्चन, उसके चक्कर में ज्यादा टेंस नहीं होना, जैसा इस बार पैटर्न रहा कि उम्मीद है कि अगली बार भी वैसे ही रहेगा कि हमें 100 ही क्वेश्चन आए और 150 मिनट मिले, और उस मुकाबले पेपर कोई ज्यादा टफ नहीं था, बट फिर भी अगर टफ नहीं था हमें एक्यूरेसी पे बस ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी बस एक्यूरेसी पे ध्यान दो, कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे तो 99% गलत होने का कोई हिसाब ही नहीं बनता। बिल्कुल, कंसेप्ट क्लियर हो गए तो फिर गलत होगा ही क्यों, सिंपल सी बात तो ये है, तुक्के थोड़ी मारने हैं वहां बैठ के। और असल बात में जैसे GCC में अगर आप जाते हो तो वहां पे एक्चुअली हमारी टेस्ट सीरीज थी, मुझे ध्यान है कि हम 5th बैच में पहुंचे थे, तो सब तक शायद 2-3 टेस्ट 3-4 टेस्ट हो चुके थे, बट उसके बाद भी हमारे पास जो ऑल ओवर टेस्ट आए थे कम से कम आई थिंक 20 के अप्रॉक्स टेस्ट थे, आई थिंक उससे भी ज्यादा ही थे, 20 से उससे ज्यादा ही अगर फिर प्लस रीजनिंग के 20, फिर लॉकडाउन हुआ तो फिर 50-60 और हो गए, टेस्ट तो मतलब अनलिमिटेड ही है एक तरीके से। और ऐसे नहीं करना है कि जो GCC बच्चे एडमिशन लेने वाले हैं और लेंगे तो उनके लिए भी वो है कि आप ऐसा ना करो कि मैंने देखा है कि कई बच्चे की भाई ग्रुप में कुछ असाइनमेंट्स आए या फिर कुछ भी चीज आई ग्रुप में आपको टेस्ट करने को दिया गया, या फिर भाई एक सर है जो क्वेश्चन कहीं से निकाल के ला रहे हैं वो तुम्हारे लिए ला रहे हैं, इंपॉर्टेंट है तभी तुम्हें ग्रुप में भेज जा रहे हैं। अब होता है कि उसको क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर रहे, ऐसे ही पढ़े हैं ग्रुप में पीटे, वो चीज गलत होती है। आप सॉल्व करो, आपको दिक्कत हो रही है एक साथ में, ऐसी कोई बात नहीं है, आप पार्टनर ढूंढोगे तो साथ में पढ़ने वाले बहुत मिल जाते हैं, तो आप किसी के साथ पढ़ो, कंटिन्यूस बेस पे स्टडी करो, फिर उसके हिसाब से जैसे मैंने स्वास्तिक ने मतलब साथ में ही स्टडी करी, जब से करी शायद कोचिंग जाने के बाद 1 महीने तक हमने सेपरेट स्टडी करी थी, उसके बाद तो हमने साथ में स्टडी करी, 80% सिलेबस साथ में ही हुआ था हमारा, साथ में हुआ था, तो उससे फायदा ये हो सकता है कि असल बात ये हो जाती है कि अब हमने कुछ चीज मुझे आती है, कुछ स्वास्तिक कंप्यूटर का था, मैं मैकेनिकल का था, तो जो चीज स्वास्तिक को अगर मैकेनिक्स में दिक्कत हुई तो मैंने हेल्प करी, और मुझे कंप्यूटर में हुई तो इसने हेल्प करी, अगर हम दोनों से ही नहीं हुआ तो भाई हमने ग्रुप पे करा। सबसे अच्छी बात तो GCC में ये फंस जाती है कि आप जो जाते हैं तो वहां पे GCC में टोटल बच्चे पढ़ते हैं 350-400 बच्चे आ जाते हैं हर साल, और जबकि हमारी बैच में अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 70 थे, कितने 60 प्लस बच्चे थे, तो उसी बैच में आप क्वेश्चन डालो और कोई ना कोई सॉल्यूशन करके आपको भेज देता है, और बाकी बहुत चीजें हैं, मैथ्स के क्वेश्चन नहीं आ रहे आप डाउटनेट पे सर्च कर लो, बस आपको फोटो स्कैन करनी है, सिंपल फोटो स्कैन करो आपके पास सॉल्यूशन आ गया, आप करो तो रिसोर्स तो बहुत मिलेंगे आपको, बस करना पड़ेगा।
इतनी अनलिमिटेड है कि आप पूरे 24 घंटे भी दोगे तब भी आप कभी कवर नहीं कर पाओगे कुछ भी चीज, इतनी रिसोर्स। मेन चीज ये है अगर आपने जीसीसी ज्वाइन की ना, तो सबसे मेन चीज ये है कि आप जो डाउट बच्चों के आते हैं वो जरूर सॉल्व करो, क्योंकि वो डाउट आ रहे हैं तो वो अपने आप में तो कुछ ना कुछ तो होंगे ही जब किसी से आ रहे हैं वो डाउट, तो वो अगर करोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। बिल्कुल, डाउट जरूर सॉल्व करने चाहिए, एक बार का क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो बट डाउट नहीं, क्योंकि जो डाउट है वो किसी ना किसी बंदे के डाउट है तो वो फंसा है कहीं ना कहीं उसमें, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज हुई होगी ना कि जिसमें वो फंसा है, तो इसी वजह से उसका डाउट्स है, तो फिर हमें उसी को क्लियर करना चाहिए, उसको तो जरूर ही करो, और हो जाता है तो तुरंत ही सॉल्यूशन भेजो ग्रुप में भेजो, या फिर उसको पर्सनली आप टेक्स्ट कर सकते हो, आपको ग्रुप में नहीं डालना, मतलब पर्सनली टेक्स्ट करके उसको भेजो क्वेश्चन, इससे क्या होगा कि आपको एक तो क्वेश्चन सॉल्व करने को मन करेगा, क्योंकि जैसे ही आया एक चीज, एक और भी चीज होती है जैसे ग्रुप में एक फास्ट रिप्लाई का भी बहुत वो होता है, जैसे ग्रुप में क्वेश्चन आए आपकी वो होड रहेगी कि हाँ मैं सॉल्व करके फास्ट भेजता हूँ ताकि मेरा इंप्रेशन अच्छा बढ़े, तो उस चक्कर में भी होता है आप क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ भाई क्वेश्चन आ रहे हैं, अब शुरुआत में गए तो भाई ब्लड रिलेशन पढ़ी हमने, नंबर सिस्टम पढ़े, शुरुआत में थोड़ी ना समझ में आता था, मिसिंग करेक्टर वाले ऐसे क्वेश्चन आते थे कि उसमें स्टार बना दिया भाई, अब उसमें कहीं 36 लिखा है कहीं 35 भी कुछ लिखा है, अब अगला नंबर ढूंढो, अब ऐसे जिसने करे ही नहीं है वो देखेगा तो उसे तो साफ ही लगेगा भाई हो क्या रहा है, बट जब आप एक बार उसको ढंग से कर लो तो फिर तो सारी दिक्कतें दूर हो जाती है। यही बात होता है प्रैक्टिस का, प्रैक्टिस करोगे तो सारे पैटर्न समझ में आ जाएंगे, फिर तो आप क्वेश्चन करना क्या, क्वेश्चन बना सकते हो फिर। बिल्कुल सही बात है, और मैंने कई कहते हुए सुना कि रैंक मैटर नहीं करती, भाई मैटर करती है रैंक, ऐसी बात नहीं होती रैंक तो देखो। हाँ, लाओ फिर अपने आप पता चलता है। बिल्कुल, असल बात यह है कि रैंक मैटर करती है, आपको अब पढ़ रहे हैं तो इसीलिए तो पढ़ रहे हैं ताकि हम अच्छी रैंक लाए, अच्छा कॉलेज लें, अच्छे कॉलेज में जाके सेटल हो। हाँ, आप उस हिसाब से पढ़ रहे हो कि आपको कोई अलग कॉलेज चाहिए तो फिर वो आप अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं सबके, जिसको जैसा पसंद होता है वो उस हिसाब से पढ़ता है, जिसको कोई अलग चीज के लिए भी टाइम निकालता है। ऐसी कहने बात होती थी कि हमारी मेरी कोचिंग जो पढ़ती थी तो मेरे घर से मान लो मैं बदरपुर रहता हूँ तो बदरपुर से मुझे कम से कम नहीं तो 2 घंटे लग जाते थे जाने जाने में, और मैं जाता था फिर वहाँ कोचिंग ली, फिर मैं घर भी आता था उसके बाद भी स्टडी करी, क्योंकि हम एक्सक्यूज नहीं दे सकते, क्योंकि अभी तो एक्सक्यूज दे देंगे बट आगे को पता नहीं रहता क्या हुआ। मैंने ऑटोमोबाइल से बीटेक कर डिप्लोमा किया, मैंने ऑटोमोबाइल से उसके बाद मैं आ गया, तो फिर आगे कुछ ऑप्शन नहीं दिखा मेरे को, क्या करूं जब समझ में नहीं आया कि जब ऐसी कंडीशन में आगे फंस जाते हैं कि फिर उसके आगे कोई राह नहीं दिखती, जॉब करके नहीं फंसना था अभी, कुछ आगे पढ़ के और पढ़ना था, आगे पढ़नी थी चीजें, और जैसा मैं पहले बता ही चुका हूँ प्राइवेट से करने की वो थी नहीं हमारी की प्राइवेट से कर सकते थे, तो इसलिए हमने मेहनत करी। और आप लोग भी यही राय है कि जो भी जूनियर्स हमारे जो भी तैयारी करेंगे तो वो जी जान लगा के तैयारी करो, और वैसे भी मुंजाल सर का कहना है डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, तो वही बात होती है, आप बस वही है कि मेहनत करने की आदत हमारी छूट गई होती है, तो उस हिसाब से। और असल में अब कई बच्चे ये भी पूछते हैं भाई कि दिन में पढ़े कितना घंटा, कितने घंटे पढ़े दिन में, तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे मत किसी के उस पर मत आओ कि जैसे हमने पढ़ा तो आप भी उतना पढ़ो, भाई हमने पढ़ा जैसे हमने 10 घंटे पढ़ा दिन में, बट जरूरी नहीं है कि आप भी 10 घंटे पढ़ो, भाई ऐसा है कि आप शेड्यूल बना के पढ़ो, एक डायरी तो जरूर कीप करो, ये नोट कर लो, ये बात मैं कह रहा हूँ कि डायरी आपको लिखनी है, डायरी लो उसमें डेली की डेट डालो, मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ लास्ट एक ईयर से फॉलो कर रहा हूँ तो मेरी पूरी डायरी भरी होगी मेरी डेली डेट वाइज कि इस दिन मैंने क्या करना है। आप प्रोग्राम रहो यार, हर चीज का स्ट्रक्चर बनाओ, उसी हिसाब से पढ़ाई हो पाती है, क्योंकि अगर आप एक दिन बनाया आपने जैसे मैंने बनाया, अब मैंने नहीं करा तो शाम को मेरे को नींद नहीं चैन से आती कि हाँ भाई आज मैंने नहीं करा, कोई बात नहीं उस दिन नहीं होता, फिर मैं उस दिन नहीं करता था। असल में मेरी क्या आदत थी कि अगर मेरे दिन शुरू सही से नहीं हुआ तो मैं शाम को एंड सही से नहीं कर पाता था, मैं नहीं करता था, बट हाँ एक चीज लगाती थी कि वो चीज मेरे को पिन करती रहती थी कि जब तक मैं दोबारा सही ना करूँ, तो अगला दिन ऐसा होता था कि मैं गलतियां नहीं करता था, फिर मुझे सही करनी थी वो चीजें तो वो मैं सही कर लेता था, तो इसी वजह से आप लोगों को भी ऐसा करना चाहिए, डायरी जरूर मेंटेन करो, उसमें लिखते रहो सारी चीजें कि क्या क्या आपको करना है, अब आप उस हिसाब से बनाओ कि जैसे आपको आज है अभी आपने देख लिया कि आपके पास टोटल एक ईयर पढ़ाई के लिए, उसके हिसाब से देखो, ऐसा होता है कि आप टोटली तो डिवाइड कर नहीं सकते कि हमें पता चल जाएगा इतने दिन में ये खत्म कर लेंगे, इतने दिन में ये, ऐसा नहीं होता,
ऐसा होता कि अगर आप डायरेक्ट दूर का गोल देखोगे तो वो कभी नहीं टूटता। मुंजाल सर ने बात कही थी जब मैं गया था कुछ में, कि मैंने कहा था सर सिलेबस तो बहुत ज्यादा है, कैसे करूंगा मैं फिफ्थ बैच में हूँ। तो सर ने सीधी बात ये कही थी कि क्या नाम है, अगर तुम एकदम से बड़ा पहाड़ देखोगे तो वो कभी नहीं टूटना, उसे थोड़ा थोड़ा तो तोड़ो, थोड़ा थोड़ा एक एक कंकड़ तो हटाओ, जब वो हटाओगे तो वो अपने आप ही सारा हट जाएगा। तो आप ट्राई करो यार, थोड़ा थोड़ा हटाते 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 आगे बढ़ोगे। जब सब कुछ थोड़ा 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 हटा हटा के जब आप आगे बढ़ जाओगे, फिर एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आपको पता चलेगा कि आप अलग लेवल पे पहुंच चुके हो। कंपटीशन में ऐसा ही सीन होता है कि हाँ आपको पता ही नहीं चलेगा पहले लेवल क्या है, हमें नहीं पता था, सब में डर तो हमें भी लग रहा था पेपर के दिन कि कैसा रहेगा पेपर, क्या रहेगा, किसी को पता नहीं होता है। अब पेपर दिया तो डर तो सबके अंदर था कि भाई कैसा रहेगा कैसा नहीं, बट एक हाँ एक हिम्मत होती है कि हमने पढ़ा है तो आप उसी चीज करते जाओ, अपने एफर्ट लगाओ और जो शेड्यूल बस बिल्कुल जो शेड्यूल बनाया है उसे जरूर खत्म करो। टाइम चाहे उसमें आपको 14 घंटे लग रहे हैं तो आप दो, लेकिन जो आपने लिख दिया तो वो आपकी पत्थर की लकीर होनी चाहिए, क्योंकि वो स्किप नहीं होना चाहिए, पोस्टपोन बेसक चल जाए कभी कभी, स्किप कभी मत करो बस उसे। कमिटमेंट चीज टूटनी चाहिए आपके अंदर, एक वो होना चाहिए कि हाँ मैंने जो बात कही है वो सत्य होके रहेगी, जो मैंने कहा है वो मैं करके रहूंगा, तो फिर आप कर दोगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ आप कहते हैं कि आईपीलीट इतना कोई बड़ा पेपर नहीं है, बट है फिर भी है भाई, तोड़ने वाले उसे भी फोड़ते हैं और नहीं फोड़ने वाले नहीं फोड़ पाते। तो आप कॉम्पिटिशन कोई सा भी हो सारे वही होते हैं, और सही बात है आपको मेहनत तो किसी में भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब इसमें बच्चे कम पेपर देते हैं वो बात अलग है, बट सीट भी तो इतनी कम होती है, एक कॉलेज में जनरल वाले की केवल 3 सीट होती है जनरल के बच्चों की, आप समझ लीजिए कितना कॉम्पिटिशन। दिल्ली में सीएस लेनी है तो आपको 2 गवर्नमेंट कॉलेज है, अब फिर आप ही कॉम्पिटिशन समझिए उस हिसाब से। और फिर सीएस वाले सीएस लेते ही है, फिर अदर ब्रांच वाले भी सीएस लेते हैं, तो कॉम्पिटिशन सोच लो। हाँ अगर सीएस वाले 50 है तो अदर वाले 60 है, ये रेशियो चलता है हर बार। नहीं होता ही है असल में, ऐसा होता ही है। और जैसा भी आप पढ़ाई कीजिए बाकी सब सही रहेगा, और बाकी अगर आप कोचिंग में जाते हैं तो इतना तो है कि आप मेहनत करेंगे तो फिर आपको सफलता जरूर मिलेगी। हाँ गाइडेंस दिखाने की बात होती है, मेहनत तो सब करते हैं बट थोड़ी गाइडेंस दिखाने की बात फंस जाती है। अब आपने गलत डायरेक्शन में कर रहे हो मेहनत तो वो कोई रंग नहीं लाती। आप किसी चीज में टेबल है उसमें आपको एक नट कसना है, भाई आपने नट डाल दिया पीछे से बोल्ट लगाए नहीं इधर से कसे जा रहे हो, कोई फायदा नहीं, यूजलेस है यार वो एकदम, आपको पीछे से बोल्ट लगाना पड़ेगा फिर उसके बाद। तो इसलिए डायरेक्शन जो होगी आपको वो टीचर दिखाएगा, और टीचर जीसीसी की फैकल्टी बहुत अच्छी है इस मामले में कि जो आपको डायरेक्शन दिखाने की, जीपी सर गोपाल पालीवाल सर वो भी हमारे यहाँ के आईपीयू के, उन्होंने आईपी में उनकी भी 12 रैंक आई थी, उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट करा। जैसे कि रीजनिंग के क्वेश्चंस हमें होते थे पहले बात हम ग्रुप पे सॉल्व करवाते थे, अगर नहीं हुए तो हमने उन्हें पर्सनली भेजा, और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, हमेशा उन्होंने रिप्लाई किया। आकाश सर का था तो 10 मिनट के अंदर अंदर सॉल्यूशन आ जाता था अगर वो सर ऑनलाइन है तो, एफिशिएंट वे में वो सही समझाते भी थे। अब वही है कि उन्होंने मतलब, और जो भी रैंक आई है हम दोनों की तो जिससे कि सारी फैकल्टी को थैंक्स बोलते हैं कि हमारी थी आप लोगों ने रैंक लाया, और हमारी तरफ से रिकमेंडेड यही रहेगा कि आप ज्वाइन करें सबसे बेस्ट। बिल्कुल आप ज्वाइन करके तो देखिए, नहीं वैसे कोई वही नहीं है इसमें, बुराई कुछ है नहीं ज्वाइन करने में, आप घर पर रहकर स्टडी करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सेल्फ स्टडी नहीं हो पाती, बट होता है ना कि एक अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आपको जीसीसी से बेस्ट लीड की कोचिंग तो नहीं मिलेगी, बाकी अदर तो मैं कह नहीं सकता। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।